अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई लोगों क्या हाल चाल है, ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज हम उस भाई का जो है ना कमेंट का जवाब दे रहे हैं वीडियो में ही। तो भाई बोलते थे कि भाई यार आप सारा दिन कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, कहाँ पे खाते हो, काम क्या होता है, टॉयलेट कहाँ करते हो। तो भाई इस चीज़ की माजरत, भाई टॉयलेट कहाँ करता वो दिखाऊँगा नहीं लेकिन बताऊँगा ज़रूर आप लोगों को। तो भाई सुबह हो गई है और 7:30 बज चुके हैं, 21 मिनट हैं 7 बज के और 7:30 होने वाले हैं बल्कि। तो अभी जा रहे हैं लोडिंग के लिए, मदीना की लोडिंग है, शीशे वीशे साफ़ कर लिए, निकल रहे हैं इधर से। तो भाई ट्रक अपना साफ हो चुका है, शीशे वीशे ही साफ किए हैं, बाकी वो वाला दरवाज़ा कौन बंद करेगा, मुझे लगता है मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। तो भाई ये जो एसी है ना, एसी ने कभी भी हमारी कमर को ख़राब ही कर देना, मुझे यही लग रहा है। हमारे अफसर भाई क्या हाल है, ठीक हो, खुश को तकड़े हो? आज देखते हैं इधर लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अब स्टैंड लगाया हुआ है। ये देखो आपको गोप्रो का तरतीब दिखाता हूँ भाई, कुछ इस तरह का हमारा गोप्रो साहब दिख रहा है अभी नई लुक में। ये देखो स्टैंड वगैरह सारा कुछ, और ये जो मेटल लगा हुआ है ना ऊपर इसका पूरा सिस्टम, तो भाई ये बहुत वजनी है। अब देखते हैं इस जगह पे रुकता है या नहीं रुकता है। तो भाई यहाँ पे कैमरा रुक तो गया है, लेकिन अब देखते हैं भाई जब वजन आएगा ना फिर क्या होता है इसके साथ। मैडम सेफ्टी जैकेट है। आज सिर्फ अपनी डेली रूटीन की वीडियो बनानी है कि भाई हमारी डेली की रूटीन आप लोग को वैसे पता तो है, भाई के कहने पे हम वीडियो बना रहे हैं। भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई उधर भी फॉलो शालो मालो ठोक दो, इंस्टाग्राम टिकटॉक व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सेकंड चैनल का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप ठाफा कर दो। हाँ बस पूछना किसी से नहीं है, ठाफा कर देना है बस। शेयर भी कर दिया करो यार, अगर कोई अच्छा अगर हमारा टॉपिक लगे तो आपको। अभी इसको हम डायरेक्ट ही लगाते हैं आईफोन को इधर। ट्रक लग चुका है इस रैंप के ऊपर, आप लोगों ने देख लिया भाई। ये देखते हैं अंदर सामान रेडी है या नहीं रेडी है। ये सेफ्टी जैकेट नीचे जोगर हो या सेफ्टी शूज़ हो, जो भी हो ना चल जाएगा। तो इसीलिए भाई हमने सेफ्टी शूज़ हमें कंपनी ने दी थी लेकिन वो साइज़ में छोटी थी, तो भाई हम वो नहीं पहनते, हम अपने जोगर ही पहनते हैं भाई अपने पास जो रखे हुए हैं। तो भाई तलाजा चला हुआ है, ये चेक कर लो, -5 पे आ चुका है, पहले -10 से ऊपर था, फिर डेफ वाला चल गया था, डेफ किधर है ये, तो भाई डेफ चल गई थी, अंदर आइस बन चुकी थी ना, आइस पिघली है, फिर ये -5 पे आ चुका है। चलो ये इसका काम है भाई, होता रहेगा। सजाद भाई भी आ गए, सजाद भाई की कटिंग चेक करो हैं। दरवाज़ा बंद कर दूँ ये ना, दरवाजे के अंदर ही ठोक दे। इधर से निकल रहे हैं अब। तो भाई ये अपना जो गोलू मोलू है ना, आज से भी हमारा ये पार्टनर बन गया, ठीक है गोलू मोलू साहब। तो इसको धोएंगे, थोड़ा सा मैला है, पर ये अब ट्रेलर वाले को बोले कि मुझे जाने दे। यार ये ट्रेलर वाला किधर जा रहा है पता नहीं। चलो हम उधर से निकलेंगे फिर। खड़ी जरा सदर कर उस्ताद।
हाँ जी चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, सलाम अलैकुम, शुक्रन। लो भाई पजो इथूं, चल निकलो इथूं, ठीक है, नाश्ता करते हैं फिर आगे निकलते हैं। भैया आ जाओ भाई, ट्रक को पार्क लगाएंगे इस जगह पे, फिर करने जाएंगे नाश्ता। तो भाई गाड़ी को कर देंगे लॉक, अभी अब सामान पड़ा है ना इसके अंदर, और ऑलरेडी लॉक था यार। यहाँ से भी लॉक हो गया और ये वाला भी लॉक लगा देते हैं भाई। क्या याद करेगा ट्रक साहब हमारे होते हुए, इसका हम लॉक लगा रहे हैं। अरे फ़ायदा तो हमें ही है, ट्रक को क्या फ़ायदा है। हमारा सामान सिक्योर रहेगा, अगर फिर भी चोरी हो भी जाता खुदा ना करता, तो भाई हम ये तो कह सकते हैं कि भाई हमने तो लॉक लगाया था, आप बंदे लॉक तोड़ के चले गए, हम क्या करें। तो ये सामने होटल है, मतलब लाहौर पे हम नाश्ता करेंगे। तो ये अपना नाश्ता आज है भाई, इसका टेस्ट आपको बताता हूँ। चना का भी बहुत अच्छा है भाई, इधर चाय थोड़ी सी ख़राब है भाई। हाँ जी, तो भाई लोगों नाश्ता कर लिया हमने। जद्दा का मौसम चेक करो भाई, जद्दा का मौसम माशाल्लाह फुल बादल बने हुए हैं फुल। हाँ जी ट्रक साहब की हाल चाल है तेरा, तो ठीक है अभी ट्रक को हम बंद करके गए थे, अभी चला लेते हैं बिस्मिल्लाह। पता नहीं आई है नहीं आई है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ग्रिप निकली हुई थी भाई। ये भी बड़ा रोला है यार, माइक का कभी कभी पिन निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। बहरहाल भाई इतनी बड़ी लाइनें क्रॉस करके आ गए हैं, वो जो मैं बता रहा था ना कुबरी के ऊपर, अमन तुर्क वाला खड़ा रहता है और कभी कभी मुखालफा भी दे देता है, इसीलिए भी मैं इस लाइन में आ गया। और पीछे लाइन लाइन आपने देखी अभी, कितनी बड़ी बड़ी लाइनें थी। अभी ममनू ओपन है ना, तकरीबन 10:30 का टाइम है, 9 बजे से ममनू ओपन हो जाता है, और वो जीजान रोड से ये सारे ट्रेलर आ रहे हैं। अभी ये शबक वाला डैना आ रहा है, ये भी क्रॉस कर रहे हैं हमें, तो इनको बाज़ोकात नहीं पकड़ता है मन तुर्क, लेकिन भाई हमें पकड़ लेता है। हमारा शायद नसीब ख़राब है, माड़ा दा नसीब दा खरबान दागा दा, और भी जा रहा है चेक करो। तो भाई लोगों जद्दा से हम बाहर निकल आए हैं, और इधर है जी एक पेट्रोल स्टेशन, शायद आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा एक दफ़ा, जहाँ पे अमन तुर्क वाला जुर्माने दे रहा था सबको। तो भाई इधर से अब डीजल डलवाते हैं, डीजल मैंने देखा है भाई बैलेंस खड़ा हुआ है, यहाँ से डीजल डलवाते हैं। और भाई यहाँ पे आपको हमारी जो रूटीन होती है, पेट्रोल पंप के ऊपर रुकते हैं भाई। अब मुझे पता है कि भाई मैंने अब 2 घंटे की ड्राइव करनी है, ठीक है 2.5 घंटे की ड्राइव करनी है, तो मैं जो है ना डीजल भी इधर से डलवाऊँगा। और भाई यहाँ पर वाशरूम वगैरह भी आपको मिल जाते हैं भाई, वाशरूम भी अगर आया हुआ हो तो भाई वो भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं। इधर से डलवाते हैं डीजल। हाँ भाई चाचा आजा यार, हूँ उधर यार 2 बंदे खड़े हुए हैं, लगता है बंदा थका हुआ है यार, बंदा बैठ रहा था। चलो यार थक जाते हैं यार, मजदूर बंदे हैं हमारी तरह। तो भाई 2 सेल खड़े हुए हैं टंकी में, 120 रियाल का तो डीजल आ जाएगा फुल, 102616।
ये 170 में फुल होती है, अभी डीजल ही नहीं है इसमें। इस पेट्रोल पंप के ऊपर कुछ इस तरह का सीन है, ये आप देख सकते हो भाई, उधर पाकिस्तानी होटल है सामने, खाना वाना भी उधर खा सकते हैं हम, और वहाँ पे मस्जिद है, उधर वाशरूम भी है, वाशरूम भी बंदा जा सकता है। बाकी यही ये डीजल वाले पॉइंट है, कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 बल्कि उधर दो दो पॉइंट लगे हुए हैं, मतलब कि 12 ट्रक एक टाइम पे फ्यूल ढलवा सकते हैं। इधर रेट अभी 1.15, एक रियाल 15 हलाले। तो भाई अमेज़ोन से मैंने शेविंग मशीन मंगवाई है, अब इसको अभी चार्जिंग पे लगाएंगे और चेक करेंगे भाई ये सही है या नहीं है, ताकि भाई ऑनलाइन वाली चीज़ जो भी है ना, अब ये कैसे निकलेगी। चलो इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। 120 का पूरा है भाई, टैंकी फुल नहीं हुई है, ये देख रहे हो ना, अभी ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब कि तकरीबन 10-20 रियाल का और भी आता है। इसको रखते हैं इधर, क्या देखिए कैमरा हाँ भाई, बंदे कभी कभी डरते हैं कि भाई ये पता नहीं क्यों वीडियो बना रहे हैं। सऊदी अरब है ना, इधर यार फिलहाल इतना नहीं है कि भाई ट्रेंड नहीं है व्लॉगिंग का, वीडियोस बनाने का, जिस तरह होता है ना। ठीक है भाई, हो गया, तो इसीलिए तो मैं यार ड्रोन ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी डरता हूँ। एक पुलिस वाला है अपना दोस्त, उससे पूछेंगे कि भाई ड्रोन का क्या इधर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि भाई हो सकता है यार हम ड्रोन भी लें, उसका लाइसेंस अप्लाई करने, लाइसेंस निकलते निकलते तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने ड्रोन ने ऐसे ही पड़ा रहना है, तो उससे पूछेंगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके, फिर हम ड्रोन को ऑर्डर भी करेंगे, फिर ये इसको चार्जिंग पे लगाते हैं भाई मशीन को। ये मतम अल जज़ीरा है भाई, इसके मतम के पार्किंग पे लगा देते हैं हम ये अपने ट्रक को। इसको खोलते हैं मशीन को, इसमें क्या है क्या नहीं है भाई। सबसे पहले तो भाई ये कॉपी आ गई, ये कौन पड़े भाई, फिलिप्स की मशीन है, ठीक है, तो भी जा, ये इसका केस है भाई, अगर इसमें डाल लो हैं, कितना कॉपियां हैं, बिस्मिल्लाह, ये भी देखो इसका पीछे से बटन है, पीछू से, सही है, सही है यार, गुजारा करेगी, गाड़ी के अंदर ही बाल हो गए, मेरे काम चेक करो। तो भाई इसको चेक करना लाजमी था, ये ब्रश है भाई, आप सफाई भी कर सकते हो भाई, और अब हम अपनी दाढ़ी टाइम पे बनाएंगे, ठीक है, पहले टाइम पे नहीं बनती थी। तो इसको अभी चार्जिंग पे लगाते हैं भाई, इधर ही हमारे पास इन्वर्टर है, आपको दिखाता हूँ भाई। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि भाई अपने कैमरे शैमरे हर चीज़ इधर गाड़ी में चार्ज करते हो, हाँ भाई गाड़ी में ही चार्ज करते हैं भाई, अपना पूरा सेटअप हमने बनाया हुआ है। ये कनेक्ट हो गया इधर से, ये आप देख सकते हो ना, ये इन्वर्टर है मेरे पास, यहाँ पर अगर मैं लगाऊँगा ना, ये सेम टू सेम मुझे वही बिजली प्रोवाइड करेगा जो मुझे रूम में मिलती है। सख्त भी बहुत है, लग गया भाई। हम दो स्विच लगा सकते हैं, इधर से भी देख सकते हो आप, टाइप सी ये लगा हुआ है आईफोन का, ये देखो यहाँ पे भी 3 केबल ये वाली लगा सकते हैं, एक टाइप सी की लगा सकते हैं, ठीक है, और भी आज हम इसको करेंगे चार्ज, और बाद में कल को बनाएंगे दाढ़ी, वो तो मैं अब आपको नहीं दिखाऊंगा। मगर भी फ़िलहाल इसको चार्जिंग पे लगा के ना रख देते हैं, ताकि भी ये फुल हो जाए, कल को इसको यूज़ करेंगे, अगर ख़राब होगी तो भाई इसका 15 डेज में रिटर्न होता है, हम नहीं तो फिर रिटर्न वाली रिक्वेस्ट डाल देंगे भाई,
निकलते हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गया, काम चेक कर लो हमारे। हम अभी जद्दा से निकले हैं। और भी कंघियाँ वगैरह भी हैं इसकी, ये सारी, ये नक वाली, अभी नक के बाल भी, नाक के बाल भी इधर से जल्दी से भी सारा डब्बा शब्बा फिलहाल रख देते हैं ना, हो सकता है रिटर्न करना भी पड़े ना, ये ना हो कभी हमारे पास डब्बा ही ना हो, फिर वो बोलेंगे मैना दल तराशा। अभी हम एक पेट्रोल पंप के ऊपर आ गए हैं, साहिल का पंप है यहाँ पे, डीजल भी मिलता है पेट्रोल ऐप का, और नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं फिलहाल। तो भाई अभी इधर पहुँच चुके हैं, और मैंने पिछले व्लॉग में बोला था आप लोगों को कि भाई मेरी बेटी का ऑपरेशन है, लेकिन अभी इस वीक में नहीं हुआ है, अभी जुम्मा वाले दिन होगा, फ्राइडे को होगा, अभी वो लाहौर में ही हैं, और जुम्मा वाले दिन होगा ऑपरेशन, अभी पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, क्योंकि भाई 14 अगस्त को एक जो ऑपरेशन डे था 14 अगस्त को, उस दिन जो है ना डॉक्टर्स की छुट्टी थी, जिसकी वजह से भाई वो वाले मरीज़ अभी तक वो रिकवर कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं, जुम्मे वाला दिन डॉक्टर्स ने बोला है कि भाई लाजमी करेंगे आप लोगों का ऑपरेशन, तो जुम्मे वाला दिन भी होगा इंशाल्लाह। अभी नमाज पढ़ते हैं, मिलते हैं अभी आप लोगों को। भाई लोगों, उधर नमाज हमने पढ़ ली थी, अभी हम अपने फर्स्ट कस्टमर पर पहुंच चुके हैं भाई, ये अपना सास्को पे, सास्को अखल। आज भाई बड़े दिनों बाद ये दो कस्टमर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इस पे उतारेंगे सामान, उस पे देखता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि नीचे से जाऊँ, उसका सामान वैसे मैंने पहले ही रखा हुआ है, तो उसकी तरतीब कुछ करता हूँ मैं। हाँ जी, फिलहाल ये वाला कस्टमर तो उतारे हैं हम। तो भाई आजकल सास्को पेट्रोल ऐप का डीजल नहीं दे रहा है, ये वाला तो नहीं दे रहा है डीजल, तो हमारे पास है पड़ा, मदीना गाड़ी हमारी पहुंचेगी और उधर से फिर जो है ना कोई माता ढूंढना पड़ेगा गा 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 गमरे सा सा मौलवी साहब। तो भाई हम आ गए भाई सास्को अखल पे, यहाँ पे सामान उतारेंगे इनका, थोड़ा बहुत है सामान, थोड़ा भी है बहुत भी है, ये हर बार बोलते थे ना कि रिवर्स लगाओ, बिल्कुल उधर आना चाहिए, अब भी इनको दो बार घूमना पड़ेगा, एक बार इस साइड से उतारना पड़ेगा सामान, पीछे वाली साइड तो चलो हम लगा देंगे भाई, कोई बात नहीं है, वैसे हम ऐसे ही लगाते हैं, वो साइड डोर से ही उठाएंगे पीछे वैसे ही। तो भाई सामान उतार रहे हैं इधर से, और बंदा भाई लेके जा रहे हैं, हम बस उसको ऐसे हाथ में देंगे, वो लेके जाएगा, बस इतना सा काम है और कोई नहीं सिस्टम भी, और अति इतने नजर ला ज्यादा, इतने नजर ज्यादा। अभी कुछ इस तरह का सीन है, मैं काला नजर आ रहा हूँ, उस चीज को इग्नोर करो भाई। ये टेम्परेचर के लिए है भाई, ये चेक करो, -14, ठीक है, लेकिन था -18 पे, अभी दरवाजा ओपन किया ना, इसीलिए -14 हो गया। ये डेली डेटा लॉगर लैपटॉप पे लगाते हैं, वो चेक करते हैं यहाँ से USB कितना होगा। तो भाई फतूरे ऐड अभी कर रहा हूँ, फतूरे ऐड मैंने पहले भी एक दफ़ा किए थे, आप लोगों को दिखाया था, इनवॉइसेस जो है ना इसकी अपनी एक एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं। तो भाई इनवॉइस नंबर देखेंगे, स्विप मार्क करेंगे, स्विप टू कंप्लीट कन्फर्म ड्रॉप 3 ऐसे लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था। तो ये पिक्चर बनाएंगे, ये हो गया, डन करेंगे, मसलामा। अच्छा फिर दूसरा इनवॉइस, इसका भी 067 नंबर है इनवॉइस ऑर्डर नंबर, कंफर्म पिक्चर। तो भाई ये अभी वेयर हाउस वाली कंपनी जो है ना, उसके
सिस्टम में चला गया है ये इनवाइस दोनों। तो भाई इसमें ट्रैकर भी है, इसमें सारा कुछ है, इसको स्टॉप मारेंगे। अच्छा तो भाई इसमें ट्रैकर भी है, इसमें सारा कुछ है, अभी वो उनको पता है कि भाई अभी गाड़ी किधर है। इसमें भी ट्रैकर है, वो जो डेटा लॉगर है मेरे आई थिंक उसमें भी ट्रैकर है, उसमें तकरीबन नहीं होगा, लेकिन गाड़ी का अंदर ट्रक का अपना भी ट्रैकर लगा हुआ है इधर। तो भाई इस एपिसोड को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड भी यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेली का डेली रूटीन वाली एपिसोड थी। डेली रूटीन मेरी क्या है आप लोगों को सब सारा पता चल चुका है भाई, घर से निकला हूँ यहाँ तक फर्स्ट कस्टमर, इसी तरह भी बाकी सारे कस्टमर उतारूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।